गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट। आज हम पेज नंबर 16 रीड करने वाले हैं। हम इसके पहले वाला पेज जब स्टार्ट किया था हमने चैप्टर, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। रिमेंबर, यहाँ देखिए रिमेंबर, एक साइन दे रखा है। आप साइन बनाने के बाद लिखा है इज द साइन ऑफ एडिशन, इट इज़ रीडर्स प्लस। ये जो साइन दे रखा है ना आपको, इस साइन को, ये है एडिशन का साइन, काय का साइन है एडिशन का, और इसको हम प्लस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साइन को? प्लस। यहाँ पर बटरफ्लाई दे रखी है, 1 2 3 4, 4 and 4 मैक डैश। जब हम 4 बटरफ्लाई ये है और 4 ये है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी बटरफ्लाई बनेगी? 8। इन द अबाव 4 + 4 = 8। 4 और 4 को कितना एडिशन होगा इनका करेंगे तो क्या होगा? 8। और 8 जो आएगा, जो इसका टोटल निकलेगा, इसको हम पढ़ेंगे सम। क्या पढ़ेंगे? सम। फिर नीचे काउंट एंड 8। आपको काउंटिंग पता है? अगर आपको काउंटिंग पता है, और आपको अच्छे से पढ़ा भी दिया हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में, अगर आपको काउंटिंग पता है तो आप ये होमवर्क बहुत ईजिली आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्लावर्स दिए गए हैं, सनफ्लावर आपको ऐड करना है, बताना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर दिए गए हैं 4 star + 3 stars हैं, इक्वल टू कितना हो गया? 7। तो 4 + 3 किए हमने तो क्या आ गया? 7। इसी प्रकार हम 3 + 4 करेंगे तो भी सम जो है 7 ही रहेगा। हम 3 को आगे लिख दें, मतलब कोई सी भी डिजिट हो हम इसे आगे पीछे लिखेंगे और उसका सम करेंगे तो आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा, जैसा यहाँ पर बताया गया है। पहले यहाँ पर 4 है पर यहाँ पर पीछे है, यहाँ 3 पीछे है, यहाँ आगे, पर आंसर क्या है उसका? सेम, 7, ठीक है। नंबर को इधर उधर चेंज करने से सम कभी चेंज नहीं होता है। मैं आपको ये फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आपको होमवर्क करना है। थैंक यू।